गरम होने की देर है बस। जब तेल गरम होता है तभी तो पूरी गर्मा गर्म और अच्छे से बन के आती है। इसी बात पर देख लो हमारी आज की ये गर्मा गर्म स्टोरी। ये कहानी है पांच दोस्तों की जो कभी घनिष्ठ मित्र हुआ करते, लेकिन पिछले 2 महीने से लॉकडाउन में फंसे होने के कारण एक ही घर में रहने के बावजूद अब ये एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, लेकिन ये दुनिया देखना चाहते हैं। मगर दुनिया है कहाँ? दुनिया कहाँ है? पारस को बताओ, उससे पूछती हूँ। पारस, अरे पीछे जाते, अरे तेरे पीछे है। पारस, ओ यस, बोला था हम जीत जाएंगे। दुनिया को देखा क्या? मुझे नहीं पता तू आशी से क्यों नहीं पूछती, वो सबसे समझदार है इस घर में। तू एक काम कर, मैं पूछ लेता हूँ, तू ये रुक। मेरी गैस होने। आशी। हाँ क्या है? अच्छा बता, टिकटॉक बनानी है, ठीक लग रही हो? तूने दुनिया को देखा क्या? फिर गाया। भगवान से याद आया, गौतम को पता होगा। रुका, गुरुदेव हम दुनिया की खोज कर रहे हैं, क्या आपको पता है कहाँ प्राप्ति होगी? अरे पुत्री, अद्भुत, दुनिया 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 मेरे पास होगी, दुनिया तुम्हें, अरे करण स्वामी के पास जाओ, उनके पास मिलेगा तुमको दुनिया। मैं तो दुनिया बनाने वाले के साथ हूँ। सुनी पुत्री, अब जाओ तुम। करण, क्या कर रही हो यार? आशी डरा दी मुझे, क्या हुआ? दुनिया तेरे पास है? हाँ मेरे पास है, आई मीन मेरे नीचे। दुनिया तो टीवी ऑन कर, मैं आता हूं। तो देखा दोस्तों, दुनिया कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो एक छोटा सा रिमोट या एक्चुअल में दुनिया। अगर हमें खुश रहना है तो हमें इस दुनिया को सेफ रखना ही होगा। दोस्तों दुनिया बहुत खूबसूरत है, हम सब चाहते हैं इस पूरी दुनिया को देखें और महसूस करें, लेकिन कुछ पल के लिए हमारी दुनिया को हमारी जरूरत है, और हम सब अपने अपने घर में रहकर उसका साथ दें। और फिलहाल घर वाली दुनिया को एंजॉय करें, ताकि हम कोरोना को जल्दी से बाय बाय करें।